प्रदेश में कोरोना की कहर से हड़कंप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अलग अलग शहरों में कुल 28 मामले। दिल्ली से इटली आए 21 में से 17 पर्यटकों में कोरोना वायरस होने की एम्स ने की पुष्टि, पॉजिटिव आया टेस्ट। सभी इटली के पीड़ित पर्यटकों को दिल्ली के छावला में आईटीबीपी कैंप में रखा गया। नोएडा के स्कूली बच्चों और परिजनों को कोई खतरा नहीं, सभी 6 संदिग्धों का टेस्ट नेगेटिव। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कहा जांच नेगेटिव होने के बाद भी 6 लोगों को 14 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। आगरा के 13 संदिग्धों में से 6 को कोरोना की पुष्टि, सभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। आगरा के 7 अन्य लोगों को उनके घर के अंदर रखा गया, किसी से नहीं मिलने की दी गई हिदायत। कोरोना की वजह से इस साल प्रधानमंत्री मोदी होली मिलन समारोह में नहीं होंगे शामिल, ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज कोरोना पर बैठक की, बोले हर एहतियात बरत रही सरकार। से भी हमने अनुरोध किया है कि अपने सभी अस्पतालों में इस आइसोलेशन के वार्ड तुरंत डेवलप कर लें। दिल्ली सरकार से भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बातचीत, तैयारी बढ़ाने पर दिया जोर, तमाम राज्य सरकारों से भी की अपील। केंद्र सरकार की रिस्पांस टीम सक्रिय हुई, हालात पर लगातार सरकार की नजर। जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कोरोना की रोकथाम के लिए सभी एयरपोर्ट पर बढ़ती जा रही सावधानी। संसद भवन में बीजेपी सांसद के जी अल्फोंस ने सैनिटाइजर के जरिए बताया कोरोना से बचने का तरीका, दूसरे सांसदों को किया जागरूक। शहरी विकास संसदीय स्थानीय कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कोरोना से बचाव पर करेंगे मीटिंग। आज हैदराबाद एयरपोर्ट पर मास्क लगाकर जाते दिखे अभिनेता प्रभास, अगली फिल्म के लिए यूरोप दौरे पर हुए रवाना। आज मुंबई में भी एक और पुणे में एक कोरोना के संदिग्ध का मामला सामने आया, जांच रिपोर्ट का इंतजार। बुलंदशहर में रिश्तेदारों के पास भी गया था दिल्ली का संक्रमित कारोबारी, 4 रिश्तेदारों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। नोएडा के एक और स्कूल में छुट्टी का ऐलान, प्रशासन का दावा हालात पूरी तरह काबू में। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे कोरोना के संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती किया गया, सऊदी अरब से लखनऊ पहुंचा था यात्री। पाकिस्तान में कोरोना के संदिग्ध मिलने के बाद करतारपुर यात्रा को लेकर बड़ी चिंता, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी कड़ी नजर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी कोरोना का संदिग्ध अस्पताल में भर्ती, जांच रिपोर्ट का इंतजार। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए 7 संदिग्ध कोरोना की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। कोरोना के खतरे के चलते बलरामपुर में नेपाल बॉर्डर पर सख्त निगरानी, सीमा पार आने जाने वालों की हो रही जांच। कोरोना की चपेट में ईरान के तेहरान में दुर्गापुर के रहने वाले 11 लोग फंसे, परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर सतर्कता, यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग। चीन में अब तक कोरोना के 2,981 लोगों की मौत, पीड़ितों की संख्या 80,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,100 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना के खात्मे के लिए वर्ल्ड बैंक ने किया मदद का ऐलान, $12 बिलियन का फंड जारी। मध्य प्रदेश की कमला सरकार पर अभी भी सियासी संकट बरकरार, सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार और कांग्रेस के कुछ नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से 12 विधायक बीजेपी के संपर्क में। बीती रात गुरुग्राम के होटल आए गए बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायक। होटल में बीएसपी विधायक रामबाई भी थी मौजूद, कांग्रेस से किया 4 विधायकों के वापस लौटने का दावा। होटल में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच भी धक्का मुक्की, कुछ पुलिस अफसरों पर कांग्रेस नेताओं को रोक निकाला। कांग्रेस का दावा मध्य प्रदेश सरकार पर कोई खतरा नहीं, बीजेपी पर मढ़ा विधायकों को करोड़ों का लालच देने का आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा बोले बीजेपी ने विधायकों को बंधक बनाया और लालच दिया, इसमें कई बड़े नेता शामिल। दिग्विजय सिंह बोले आरोपों पर बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। कमलनाथ के मंत्री जीतू पटवारी ने कहा जोड़ तोड़ के पीछे शिवराज सिंह चौहान मास्टरमाइंड। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार, बोले बीजेपी की सोच खरीद पर उतरी नहीं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, बोले कमलनाथ सरकार अपने आंतरिक कलह से परेशान। संसद में आज भी रही दिल्ली दंगे की गूंज, हंगामे के बाद लोकसभा 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक 11 मार्च को लोकसभा और 12 मार्च को राज्यसभा में होगी दिल्ली दंगे पर चर्चा। संसद भवन पहुंचे दिल्ली पुलिस के नए मुखिया SS श्रीवास्तव, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात।
आपसे निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत पर कठघोड़ा कोर्ट ने एसआईटी से मांगा जवाब। अब कल 2 बजे होगी सुनवाई। आज दिल्ली में कोर्ट के बाहर ताहिर हुसैन के वकील के सामने लगे हाय हाय और जय श्री राम के नारे। जब पुलिस के हिसाब से उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तक अपने घर से 24 की शामली से गिरफ्तार दिल्ली के गोलीबाज शाहरुख को कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने शुरू की पूछताछ। दिल्ली हिंसा में घायलों को मुआवजा दिए जाने के मामले पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। बीजेपी नेता ने दाखिल की थी याचिका। उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर लेफ्ट ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। संसद परिसर में किया प्रदर्शन। पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका। देवरिया से गुजरात के जेल में ट्रांसफर करने के फैसले पर पुनर्विचार से इनकार। निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों की और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की। गुनहगारों ने मानसिक और शारीरिक स्थिति का पता लगाने के लिए की थी अपील। उन्नाव रेप मामले में पीड़ित के पिता की हत्या के केस में कुलदीप सिंह का दोष करार। दिल्ली के 30,000 कोर्ट ने सुनाया फैसला। पीड़ित के पिता की हत्या के 11 आरोपियों में से 4 बरी किए गए। 12 मार्च को सजा का ऐलान। यूपी पुलिस की स्वात टीम ने बुलंदशहर में एक संदिग्ध को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में दर्दनाक हादसा। नहर में गिरी बेकाबू कार, 3 की मौत। पटना में हॉस्टल लौट रही एक छात्रा को मारी गई गोली। पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। कदम को इलाके में हुई वारदात। बंगाल में सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए अमित शाह अप्रैल से हर महीने 3 दिन राज्य में बिताएंगे। अक्टूबर के बाद से 7 दिन तक बंगाल में बनाएंगे रणनीति। झांसी में 2 दिन से लापता छात्र की लाश बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली में हैदरपुर नहर के किनारे बच्चे को मिला हैंड ग्रेनेड। पुलिस ने एनएसजी को जांच के लिए सौंपा। गुवाहाटी में आरपीएफ ने करीब 5 लाख कैश और बड़ी मात्रा में ज्वेलरी जब्त किया। कोडरमा में होम्योपैथी डॉक्टर के बेटे ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। जांच में जुटी पुलिस। लिटिल नोएडा के गौर सिटी मॉल के सामने कार में अचानक लगी आग। उसमें सवार दंपत्ति ने कूद कर बचाई जान। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोली लगने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। हरदा में नौकरी दिलाने के नाम पर 5.5 लाख की ठगी। 1 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में अस्पताल परिसर से बाइक चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। करनाल में टोल प्लाजा पर सामने आए युवक की गुंडागर्दी दी। हथियार भी लहराया और बिना टोल दिए फरार। मेरठ के अस्पताल में भर्ती जवान डिस्चार्ज। कोरोना के शक में चल रही थी जांच। कटक में कोरोना के 2 संदिग्धों को एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया। जम्मू कश्मीर के अरनिया में टेरर लिंक और हनी ट्रैप मामले में एक शख्स हिरासत में। जांच जारी। पुलिस के कालाहानी में हाथी ने मचाया उत्पात। सड़क पर लगा जाम। बड़ी संख्या में लोग फंसे। भुवनेश्वर में गेस्ट बनकर 3 शातिरों ने शादी समारोह में की लूटपाट। कैश ज्वेलरी लेकर हुए फरार। झारखंड के दुमका में बच्चे से रेप और हत्या के मामले में 3 दोषियों को सजाए मौत। सेशन कोर्ट ने रात में की सुनवाई और रिकॉर्ड वक्त में दिया फैसला। सुकमा में नक्सलियों के साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 3 किलो विस्फोटक वाले आईडी किया डिफ्यूज। महोबा में रेलवे टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ी का खुलासा। नकली आईडी से टिकट बुक कराने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुणे में गैस धमाके में रेस्टोरेंट में आग। सब कुछ जलकर खा। कोई हताहत नहीं। दिल्ली के मुनका इलाके में शादी चोरों ने चंद मिनटों में उड़ाई 15 कारों की बैटरी। सीसीटीवी में कैद। अमरावती में कथित धर्मगुरु की काली करतूत। भक्त को चाय में पेट्रोल मिलाकर पिलाया। सड़क हादसे में मौत के मामले में सूरत की अदालत ने 15 साल बाद किया इंसाफ। मृतक के परिजनों को 1,23,00,000 मुआवजे का आदेश। मुरादाबाद में दहेज रोभी ससुर पर बहू की हत्या का आरोप। बेटे ने भी पिता के खिलाफ दी गवाही। अमृतसर में 2 गुटों में झड़प के दौरान फायरिंग। गोली लगने से 12वीं का छात्र जख्मी। फरीदाबाद में छेड़छाड़ करने वाले युवक की जमकर पिटाई। नशे में धुत था आरोपी। झांसी में छेड़छाड़ के विरोध पर दबंग होने की मारपीट। लाठी डंडों से किया हमला। भोपाल में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 4 महिलाओं समेत कुल 10 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में बच्चों की हत्या का डर दिखाकर महिला से गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में ऑटो पलटा। ऑटो पर सवार स्कूली छात्र बच सकते हैं। प्रयागराज में हुई अजीबोगरीब शादी। एक लड़की ने 2 प्रेमिकाओं की भरी मांग। जालंधर में बाप बेटे ने मिलकर चाचा का किया कत्ल। सीसीटीवी में कैद। कन्नौज में नगर पालिका चेयरमैन ने जल निगम के ठेकेदार और उसके साथियों को बनाया बंधक। मारपीट का भी आरोप। ग्वालियर में एक लड़के ने फांसी लगा की दूसरी मौत के पीछे पबजी गेम का पेच। इंदौर में लोकायुक्त ने एक अधिकारी को एक नर्सिंग होम मालिक से 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। भ्रूण परीक्षण के आरोप में फंसाने की धमकी देकर वसूले थे पैसे।
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक टिकटॉक वीडियो ने 6 साल बाद कराई पिता पुत्र की मुलाकात। लापता पिता को परिजन मृत मान चुके थे। सीतामढ़ी में स्कूली बच्चों को एक दिन के लिए दी गई डीएम और एसपी की कुर्सी। सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रशासन की पहल। बुलढाणा में भी आरपी की छात्रा को बनाया गया एक दिन का कलेक्टर। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान चला विशेष अभियान। यवतमाल में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन ही खुली इंतजामों की पोल। खुलिया में नकल की तस्वीर वायरल। एमएनएस के निशाने पर आए कॉमेडी सीरियल तारक मेहता के निर्माता। एक एपिसोड में हिंदी को मुंबई की भाषा बताने पर राज ठाकरे की पार्टी नाराज। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दी थी निर्माताओं को धमकी। एक्टर और डायरेक्टर ने मांगी लिखित माफी। एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद हुए बेंजामिन नेतन्याहू। दक्षिण पंथी पार्टियों को किया मिलकर सरकार बनाने का आह्वान। नाइजीरिया के कादुना में हथियार बंद गैंग ने मचाया कत्लेआम। 50 लोगों की मौत की खबर। उत्तरी ब्राजील में बड़ा हादसा। नदी में डूबी नाव। 13 लोगों की मौत। 28 लोग अब भी लापता। इंडोनेशिया में जावा आइलैंड के पास फटा माउंट मेरापी ज्वालामुखी। आसमान में 6 किलोमीटर तक राख का गुबार। अमेरिका के टेनेसी में भयंकर टोर्नाडो की चपेट में आने से 40 बिल्डिंग तरह शायद 2 लोगों की मौत।